अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र डॉक्टर तारिक मंसूर जैसा कुलपति नहीं चाहते। छात्र ऐसा कुलपति चाहते हैं जो इंस्टीट्यूशन के लिए बेस्ट हो। ये बात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा कही गई है। दरअसल AMU के स्थायी कुलपति बनाने को लेकर 30 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग तय की गई है, जिसमें स्थायी कुलपति की नियुक्ति को लेकर पैनल बनाया जाएगा। अब तक इसी पैनल बनाने की डिमांड को लेकर छात्र और शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कुलपति की नियुक्ति के लिए 5 लोगों के नाम का पैनल बनेगा और फिर राष्ट्रपति की सहमति से स्थायी कुलपति की नियुक्ति होगी। वहीं 30 अक्टूबर को AMU एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक होने के बाद छात्र इसे बड़ी जीत मान रहे हैं और इसे लेकर सर सैयद हॉस्टल के स्टैच्यू हॉल के सामने मिठाइयाँ भी बांटी गई। छात्रों ने बताया कि डॉक्टर तारिक मंसूर को जो लोग चुनकर लाए थे वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए चुनकर लाए थे, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। जमीरुद्दीन शाह को भी छात्रों ने बेहतर कुलपति नहीं माना है। आपको बता दें कि स्थायी कुलपति की नियुक्ति को लेकर AMU छात्रों ने सेव AMU एक्ट और सेव AMU नाम से मुहिम चलाई थी। डॉक्टर तारिक मंसूर के इस्तीफे के बाद से कार्यवाहक कुलपति के रूप में प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज काम देख रहे थे। पिछले 6 महीने से स्थायी कुलपति को लेकर कोई कवायद नहीं की गई थी, जिससे छात्र और शिक्षक नाराज चल रहे थे। वहीं विरोध प्रदर्शन के बीच कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज ने नए कुलपति के चयन के लिए कदम आगे बढ़ाया। इस संबंध में कार्यवाहक कुलपति ने 30 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल और 6 नवंबर को यूनिवर्सिटी कोर्ट की बैठक तय की है। यह तारीख निश्चित होने के बाद कुलपति बनने का दावा करने वाले लोग सक्रिय हो गए हैं। कुलपति का दावा करने वाले लोग अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल और AMU कोर्ट के सदस्यों से संपर्क साधना शुरू कर चुके हैं। बिल नहीं है, किसी का सेशनल था, किसी का कुछ था, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो आप लोगों को मेरे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। उसके बाद हमारे मीडिया पर्सन्स, हमारे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों का बहुत साथ रहा है मीडिया पर्सन्स का, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टूडेंट का कोई भी एजिटेशन हो, कोई भी तहरीक हो, मीडिया पर्सन्स के साथ के बिना उस तहरीक को कामयाब बना पाना वो नामुमकिन सा ही होता है ऑलमोस्ट। जो कामयाबी जिस चीज़ की डिमांड की जा रही थी उसमें एक डिमांड हमारी पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके सामने कुरान की एक पहली 2 आयतें पढ़ी। एक आयत जो ये कहती है कुल जाल हक वजाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कह दो हक छा गया और बातिल नस्तो नाबूद हो गया, और बातिल तो था ही नस्तो नाबूद होने। दूसरी आयत मैंने पढ़ी वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला इन अल्लाह माअस्साबिरीन, कि सब्र से काम लो और नमाज से काम लो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। आपने देखा होगा हमारे जहां पर भी प्रोग्राम हुए, जहां पर भी हमारी कैंपेन हुई, हमने उस कैंपेन को किया, चाहे थोड़े लोग हों चाहे ज़्यादा लोग हों, लोग हमारी बात के लिए सुनने के लिए रेडी हों या वो सिर्फ चलते हुए सुन के चले जाएं, हमने अपनी बात कही, लोगों को अवेयर किया, और साथ साथ उसके बाद में फारिग होने के बाद नमाज अदा की, अल्लाह ताला से दुआएं की। तो मेरे भाइयों, वो मेहनत और अल्लाह के साथ में लॉ, वो आज हमारे कामयाबी का नतीजा है। जो हमारे सैयद तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। सैयद तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। सैयद तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।